Hello viewers, in today's discussion we will be taking the concepts of calculation for calendars in detail. इसके पहले के वीडियोस में मैंने ये शेयर किया था कि अगर हमें लीप ईयर आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट इज द कंडीशन, और लीप ईयर के लिए बेसिकली हम या तो उसको नॉन सेंचुरी ईयर होगा तो वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 4, एंड इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 400. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ बिसाइड्स दैट, इसके पहले वीडियोज में जो मैंने कैलेंडर के लिए शेयर किया था, वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ऑड ईयर्स. Odd years are actually the extra days which are left after the completion of a week. So basically, week की बात कर रहे हैं. So when we talk about a week, it is like a week has 7 days. So जब भी हम odd days की बात करते हैं, तो odd days के लिए अगर हमें कभी भी condition calculate करना हो, तो we have to use the divisibility with 7. 7 से divide करिए, जो remainder बचेगा, that will give us the number of odd days. आज के डिस्कशन में हम ऑड डेज के लिए रेफरेंस टेबल जनरेट करना सीखेंगे, एंड दिस पर्टिकुलर रेफरेंस टेबल इज हेल्पफुल जब हम कोई भी पर्टिकुलर ईयर और डेट के लिए जो है, अगर हमारे पास कोई भी डेट हो लाइक 15th August 1947, और अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि ये किस दिन होगा या किस दिन था, तो अगर हमें डे को आइडेंटिफाई करना हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट, ओके, तो उसके लिए हमें ऑड डेज का एक रेफरेंस टेबल की जरूरत होती है. सो इन टुडेज डिस्कशन वी वुड बी लुकिंग इनटू कि ऑड डेज का जो रेफरेंस टेबल है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू कि जब भी हम ऑड डेज की बात करते हैं, तो वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी, वी हैव टू चेक द विथ रिस्पेक्ट टू लाइक 7, और जो भी रिमाइंडर होगा वो हमें ऑड डेज देगा. नौ, क्योंकि जब हम ऑड डेज की बात करते हैं तो ये इन टर्न डिपेंड करता है ईयर के ऊपर कि लीप ईयर है कि नहीं. तो लेट्स टेक हाउ वी कैन जनरेट द रेफरेंस टेबल. नौ, जब हम रेफरेंस टेबल की बात करते हैं तो वी स्टार्ट वर्किंग विद सपोज 100, हमारे पास 100 ईयर्स की एक वैल्यू है. नौ, अगर हमारे पास 100 ईयर्स की वैल्यू है और हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 100 ईयर्स, ओके, तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हैं, 100 ईयर्स. नाउ अगर हमें 100 ईयर्स हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज कि इस 100 ईयर्स में हमारे कितने लीप ईयर होंगे एंड कितने नॉन लीप ईयर होंगे. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड नो. नाउ जब हम 100 ईयर्स की बात करते हैं, तो 100 ईयर इज अ सेंचुरी ईयर. आप ये जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियोस में शेयर कर लिया था, तो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी वो लिंक्स जिसका रेफरेंस मैं यहाँ पर दे रही हूँ. तो प्लीज बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो मेक श्योर आप वो पहले वाले वीडियोज भी देख ले रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू कैच अप विद द थिंग्स. ओके, नाउ जब हम 100 ईयर की बात करते हैं, तो 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 100, ओके, एंड इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ सेंचुरी ईयर. ओके, एंड इफ इट कम इनटू अ कंडीशन ऑफ अ सेंचुरी ईयर, तो वी नो दैट कि जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, इट मींस 100 इज नॉट अ लीप ईयर. दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वी नीड टू मेक आउट फ्रॉम दिस 100 ईयर. नाउ अगर ये लीप ईयर नहीं है, तो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई कि अगर हम 100 की बात करते हैं, तो 100 में हमारे कितने लीप ईयर्स आते हैं. नाउ कितने लीप ईयर्स आते हैं, तो हम पहले 4 2 8 कर लेंगे, 2 0. अब 4 5 20 हो सकता है, बट बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज नॉट अ लीप ईयर, सो विल टेक इट एज 4 4 16, सो वी गेट सम रिमाइंडर. तो इसका मतलब जब हम 100 ईयर्स की बात करते हैं, तो 100 ईयर्स हैज 24 लीप ईयर्स. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि 100 में से 24 ईयर्स जो होते हैं वो लीप ईयर होते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर सपोज टू कैलकुलेट कि नॉन लीप ईयर कितने होंगे. अगर हमें आइडेंटिफाई करना नॉन लीप ईयर, तो रिमेनिंग ईयर्स जो हैं वो हमारे नॉन लीप ईयर होंगे, और रिमेनिंग ईयर्स मतलब 100 हमारे टोटल ईयर्स हैं, उसमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया 24 हमारे लीप ईयर्स हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे, 76 ईयर्स जो हैं वो हमारे नॉन लीप ईयर होंगे. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ इसका मतलब अगर हम 100 ईयर्स की बात करें, तो दिस 100 ईयर्स कैन बी रिटन एज 76 नॉन लीप ईयर प्लस 24 लीप ईयर्स. ओके,
नाउ वी हैड ऑलरेडी लर्न्ड कि अगर हम नॉर्मल लीप ईयर की बात करते हैं और नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो नॉन लीप ईयर हैज वन ऑड डे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं मेरे पहले वाले वीडियोस में. एंड अ लीप ईयर हैज टू ऑड डेज, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 76 प्लस 48, सो दैट विल बी 124. इसका मतलब अगर हम 100 इयर्स की बात करें सो दोज 100 इयर्स हैज इन टोटल 124 ऑड डेज, क्योंकि हमारा ऑड डेज पर ही कैलकुलेशन है. ना ऑड डेज के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा दैट विल गिव अस द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑड डेज. तो हमने लिया 124 जो हमें यहाँ से मिला और हमने इसको डिवाइड कर लिया 7 से. मेक श्योर जब हम नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन से कोई भी कंसर्न नहीं होता, वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द रिमाइंडर वैल्यू. सो 7 वन्स आर 7, रिमाइंडर इज 5 एंड 4, 7 सेवन्स आर 49, रिमाइंडर इज 5. तो इसका मतलब जब हम 100 ईयर्स की बात करते हैं तो 100 ईयर्स हैज 5 ऑड डेज, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप कोई भी कैलकुलेशन के लिए अगर आप कोई भी टेबल मगअप करते हैं, रेफर करते हैं, तो यू शुड रियली नो कि वहां वो कैलकुलेशन कैसे आया. ओके, बिकॉज यू शुड हैव दैट एनालिटिकल पावर कि आपको मतलब यू डोंट रियली हैव टू क्रैम द थिंग्स. अगर आप कभी पर कभी भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो यू शुड रियली नो कि कैसे आया है. एंड एज वी नो कि जब हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, अ नॉन लीप ईयर हैज 52 वीक्स एंड वन ऑड डे एंड अ लीप ईयर हैज 52 वीक्स एंड टू ऑड डेज. एंड दिस इज हाउ यहाँ पर हम यहाँ पर ये 1 लिख रहे हैं एंड यहाँ पर 2 लिख रहे हैं. हमने 124 कैलकुलेट किया एंड इट कम्स टू 5 ऑड डेज. नेक्स्ट हम आ जाते हैं 200 ईयर्स में हमारे कितने और डेज होंगे. नाउ क्योंकि हमने 100 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है तो इन टर्न वी कैन टेक दिस वैल्यू एज अ रेफरेंस एंड हम 200 ईयर्स के लिए भी हम कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं. तो अगर 100 के लिए 5 और डेज हैं तो 200 के लिए कितने और डेज होंगे, 10 और डेज होंगे. और अगर 10 और डेज होंगे आप इस वैल्यू को डिवाइड करिए 7 से एंड कैलकुलेट द रिमाइंडर. And if we calculate the remainder, how much we are getting? We are getting 3 odd days. क्योंकि 7 ones are 7 और हमारा 3 remainder होगा. Next we come to कि 300 years में हमारे कितने odd days होंगे. देखिए 100 में हमने identify किया 5 होंगे, तो इसका मतलब 300 में कितना हो जाएगा, 15 odd days. और अगर 15 odd days होगा तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 गेट द रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ऑड डे, बिकॉज 7 2s are 14 एंड विल गेट 1 ऑड डे. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद द कैलकुलेशन. नेक्स्ट वी टेक अप विद 400 इयर्स. नौ देखिए अगर जब हम 100 की बात करते हैं, 200 की बात करते हैं, 300 की बात करते हैं, सो दीज आर ऑल नॉन लीप ईयर्स. ओके, बट जब हम 400 की बात करते हैं तो 400 इज अ सेंचुरी ईयर. 400 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी डिविजिबल. सो द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑल नो इज दैट 400 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो 400 इज एक्चुअली अ लीप ईयर. और अगर ये लीप ईयर है इसका मतलब हमें ये पता है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में 1 डे का एक्स्ट्रा है. तो अगर हमने कोट किया कि 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं तो 400 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 20 और डेज. प्लस हम 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन या ये जो ईयर है ये हमारे लीप ईयर का है. तो इसका मतलब 400 ईयर्स विल हैव टोटल 21 और डेज. अब 21 टोटल ऑड डेज हैं, इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे 21 को 7 से डिवाइड करने के बाद हाउ मच इज द रिमाइंडर. और अगर हम रिमाइंडर की बात कर लें तो रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0 ऑड डे. ओके, नेक्स्ट अगर हम 500 इयर्स की बात करेंगे तो अगर 100 में 5 है तो 500 में कितना हो जाएगा,
इन टर्न हम इसी वैल्यू को हम जाके रेफरेंस लेते जाएंगे. अगर रेफरेंस लेंगे तो 100 हैज 5 वॉट डेज, सो 500 विल हैव 5 5s 25. ओके, नाउ अगर हम 25 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस वी विल हैव टू एड वन कंडीशन. वन कंडीशन इज दैट कि अगर हम 500 पर आ जा रहे हैं तो उसके पहले 400 है एंड 400 इज कमिंग विथ वन ऑड डे. इसका मतलब हमारे टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 26 ऑड डेज. 26 ऑड डेज को फिर फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे 7 से ताकि हमें रिमाइंडर मिल जाए. सो 7 3s 21 एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 5. इसका मतलब अगर हम 500 की बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5 ऑड डेज. अगर आप 600 पर जाएंगे तो 600 ईयर्स विल हैव 3 ऑड डेज. ये क्योंकि जब हम फर्दर एक एक करते जाएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दैट दिस साइकिल इज बीइंग रिपीटेड. और अगर हम इस साइकिल की बात करते हैं तो हाउ वी कैन फाइनली लाइक कंपाइल द कैलकुलेशंस दैट वी हैव डन, कि अगर हम 100 इयर्स की बात करते हैं तो 100 इयर्स हैज 5 ऑड डेज. और जब भी हमारे पास कोई भी गिवन ईयर होगा तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए द फर्स्ट कैलकुलेशन दैट वी नीड टू प्रोसीड इज वेदर इट इज अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर. अगर लीप ईयर होगा तो इट विल हैव 2 ऑड डेज, अगर नॉन लीप ईयर होगा तो इट विल हैव 1 ऑड. जो भी वैल्यू आ रहा है वी हैव टू डिवाइड इट बाय 7 एंड व्हाट्स द रिमाइंडर, इट विल गिव अस द ऑड डेज. नेक्स्ट फॉर 200 इयर्स इट विल गिव अस 3 ऑड डेज. फॉर 300 इयर्स इट विल गिव अस 1 ऑड डे. फॉर 400 इयर्स मेक श्योर बिकॉज इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ अ लीप ईयर इट विल हैव 0 ऑड डेज. ऑन एंड ऑन ये हमारा जैसे 100, 200, 300, 400 चलता जाएगा तो वैसे ही हमारा जो वैल्यूज का जो साइकिल है या जो ऑड डेज का जो साइकिल है दैट विल कीप ऑन गोइंग एज 5 3 1 0 एंड अगेन 5 3 1 0. सो इफ वी कंपाइल अप टूडेज डिस्कशन, सो 100 ईयर्स हैज 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स हैव 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स हैव 1 ऑड डे, और अगर हम 400 ईयर्स की बात करेंगे तो इट विल हैव 0 ऑड डेज. आगे जितने भी वैल्यूज हैं इसके मल्टीपल के टर्म्स में हम कोट कर सकते हैं एंड वी कैन आइडेंटिफाई की व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ ऑड डेज. सो ये जो टेबल हमने बनाया है दिस टेबल इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस टेबल एंड इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर डेट अलॉन्ग विद द ईयर विद द होल डिटेल्स वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे. सो दैट वॉज today's discussion. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कीप ऑन शेयरिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डू विजिट माई वेबसाइट www.vedicmathsjunction.in. थैंक्स अ लॉट.